रूस में यूक्रेन के हमले में मारे गए सैनिकों की मौत का बदला लेने की प्लानिंग तेज है। काबुल और मकीवका में मारे गए 63 सैनिकों को लेकर रूस में काफी गुस्सा है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी है। 24 घंटे में रूस के एंगल्स एयरबेस की पूरी पिक्चर बदल गई। सैटेलाइट तस्वीरों से नया खुलासा हुआ जिसके मुताबिक रूस ने एयरबेस को पूरी तरह खाली नहीं किया बल्कि अब भी यहां 11 TU-95 और TU-160 बॉम्बर्स मौजूद हैं। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फ्लीट के ज्यादातर विमानों को अमूर के यूक्रेन का सिरोशेवो बेस पर शिफ्ट किया। ये बेस यूक्रेन से करीब 6000 किलोमीटर दूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के हमले से डरा नहीं बल्कि रणनीति बदली है। न्यूक्लियर वॉर की आशंका के बीच जेलेंस्की ने रूस की यूक्रेनी स्ट्रैटेजी को लेकर बड़ा दावा किया। जेलेंस्की के मुताबिक रूस ईरानी ड्रोन्स की मदद से जंग को अभी लंबा खींचने की कोशिश करेगा। आरोप है कि रूस यूक्रेनी संसाधन को खत्म करना चाहता है। ठंड में जारी रहेगा रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध, ये दावा जर्मनी के सीनियर ऑफिसर और पूर्व नाटो जनरल ने किया। जनरल का कहना है कि गर्मी से पहले रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना नहीं के बराबर है। रूस यूक्रेन को मई तक शांति वार्ता का एहसास होगा। चीन नॉर्थ कोरिया के डर से जापान बना रहा है अंडरग्राउंड बेस। ओकिनावा और क्यूशू में जमीन के नीचे बनाए जाएंगे 4 मिलिट्री बेस। अंडरग्राउंड बेस का टारगेट 2028 तक पूरा करेगा जापान। जापान को अपने मिलिट्री बेस पर चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक का डर है। यूक्रेन वॉर के बीच जापान को रूस ने सीधी वार्निंग दी। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा बन गया है जापान। दरअसल रूस अपनी सीमा के पास जापान के सैन्य अभ्यास से नाराज है। साथ ही कहा गया कि रूस पर खतरा बढ़ा तो जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। किम के नए ICBM बनाने के ऐलान से मचे हड़कंप के बीच नॉर्थ कोरिया के परमाणु सतीरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। दक्षिण कोरियाई मीडिया ने उत्तर कोरिया के पास 20 से 60 न्यूक्लियर वॉर हेड होने का दावा किया है। इस दावे के बाद अमेरिका और जापान की टेंशन हाई है। अमेरिका इसराइल से तनातनी के बीच ब्रिटेन का एक कदम ईरान के गुस्से को और भड़का सकता है। ब्रिटेन ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी की है। सरकार विरोधी प्रदर्शन पर IRG ने 7 ब्रिटिश नागरिकों को गिरफ्तार किया था।